सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। मिशन साउथ पर रवाना होंगे पीएम मोदी, 4 राज्यों का करेंगे दौरा। सोफिया में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने मार गिराया जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप, करीब 4 घंटे बाद किया रेस्क्यू। एक्टर सुशांत सिंह ने राहुल गांधी के साथ की पदयात्रा, कहा प्यार और सद्भावना की राह मुश्किल। चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर लगाई रोक, 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी पाबंदी। बिहार में शराबबंदी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले राज्य में शराबबंदी सफल नहीं। बिहार के सुपौल में चिकन मटन के लिए बारातियों ने मचाया उत्पात। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन भारत संबंध पर दिया बड़ा बयान, बोले सीमावर्ती इलाकों में शांति होने तक चीन भारत संबंध सामान्य नहीं। जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने की फडणवीस की तारीफ, पीएम मोदी अमित शाह से भी करेंगे मुलाकात। ममता बनर्जी का आरोप, उत्तर बंगाल को अलग करने की हो रही साजिश, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यूनिवर्सिटी के चांसलर पद से हटाया, सरकार ने नियमों में किया संशोधन। टीम अन्ना हजारे ने कहा, वादों को पूरा करने में विफल रही बीजेपी, आंदोलन की दी चुनौती। T20 वर्ल्ड कप में करारी शिकस्त पर बोले शशि थरूर, भारत की हार से मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने जीतने की पूरी कोशिश भी नहीं की। राज्यपाल से विवाद के बीच सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के नारायण का बयान, बोले हमारे देश के लिए गवर्नर सिस्टम सही नहीं। जयराम ठाकुर को सीएम बनाने के लिए वोट नहीं डालना है, आपको हिमाचल को नंबर 1 एक राज्य बनाना है, हिमाचल की रैली में बोले अमित शाह। नोएडा में लागू होगी डॉग पॉलिसी, घुमाते हुए ख्याल रखना होगा कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, मुंह को कवर भी करना पड़ेगा। प्रयागराज के तुरुल्लाह रोड और करेली में ईडी ने की छापेमारी, मुख्तार के 2 रिश्तेदारों के घर पहुंची टीम, खंगाले दस्तावेज। पत्नी की हत्या कर एसएसपी ऑफिस पहुंचा पति, गाजियाबाद पुलिस से बोला बीवी का दूसरे से था अफेयर, हथौड़े से मारा फिर चाकू से गोद डाला। दो सगे भाइयों की 17 लाख की संपत्ति कुर्क, बागपत में हुई कार्रवाई, दोनों बदमाशों पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज।
ऑपरेशन रेल प्रहरी केरला का लुटेरा आगरा में गिरफ्तार, आरपीएफ ने ट्रेन से पकड़ा लूट का माल बरामद। देवरिया में आयोजित होगा फिट इंडिया स्कूल क्यूज, जिले के 366 माध्यमिक विद्यालय लेंगे हिस्सा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज। कुशीनगर की छोटी गंडक नदी पर खनन माफिया का कब्जा, रात में घंटों पर होता है अवैध बालू का खनन। गाजियाबाद में डेंगू के खिलाफ महाअभियान, सुबह 6 बजे 100 वार्डों में एक साथ निकली 10 विभागों की टीमें, घर घर ढूंढ रही जमा हुआ पानी। इटावा में मकान विस्फोट कांड की जांच करेगी कानपुर टीम, फॉरेंसिक टीम जांचेगी घटना की सच्चाई, घर में अवैध पटाखे बनने का शक। डॉक्स अटैक में बिल्डर व दो फ्लैट वालों पर एफआईआर, गाजियाबाद में 24 घंटे बाद प्रोटेस्ट खत्म, स्ट्रीट डॉग की सोसाइटी में एंट्री रोकने पर सहमति। इटावा में लेखपाल संघ की कार बहिष्कार की चेतावनी, लेखपाल पर जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज। मुंबई से गोरखपुर में लूट रहा एटीएम बनाया चोर ने, कैश बॉक्स तोड़ा, स्पीकर ने आवाज आई क्या कर रहे हो। संभल पहुंचे बसपा नेता इमरान मसूद, बोले सपा भाजपा ने मिलकर खेला हम और तुम का खेल, आजम की हालत के सपा जिम्मेदार। बारह घंटे से जारी बीएचयू लॉ के छात्रों का धरना, छात्र बोले एग्जाम से बेदखल किया जा रहा। अमेठी में 18 बीघा तालाब की जमीन कब्जा मुक्त, भूमि पर लगा रखी थी धान की फसल, कटवाकर प्रशासन ने गौशाला भिजवाया। फिरोजाबाद में 500 का पेट्रोल, 10 किलोमीटर भी नहीं चली बाइक, गाड़ी मालिक ने किया हंगामा, जांच में गाड़ी पेट्रोल की जगह निकला सफेद पानी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सोमनाथ भारती पर सख्त, लगातार पेशी पर हाजिर नहीं होने पर दी चेतावनी, अब 17 नवंबर को सुनवाई। कानपुर में डेंगू के 14 गंभीर मरीज, कल्याणपुर में एक साथ मिले 8 डेंगू पॉजिटिव, निजी अस्पतालों में भी नहीं मिल रहे बेड। फिरोजाबाद में मतदाता बनने को शुरू हुआ काम, युवाओं में वोट बनवाने की हो रही अपील। पति बनाता है अप्राकृतिक शारीरिक संबंध, तलाक के बाद हलाला के नाम पर देवर ने कराया निकाह, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा। फरुखाबाद में ड्राइवर को जबकि आने से कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, अनियंत्रित होकर गिरी गड्ढे में, कार सवार 8 लोगों का चल रहा इलाज। मथुरा में बाल विवाह के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, साल 2022 में अक्टूबर महीने तक 18 बाल विवाह की मिली शिकायत। अलीगढ़ में डेंगू के 13 नए मरीज मिले, शहर में अब तक 284 मिल चुके हैं संक्रमित, 48 मामले अब भी हैं एक्टिव। सुल्तानपुर में पंचायती राज विभाग में बड़ा खेल, गलत ढंग से बटा 31 लाख रुपए, शासन की रिपोर्ट में पुष्टि, डीपीआरओ से मांगी आख्या। चंदौली में व्यापारी को गोली मारने का मामला, पुलिस 10 दिन बाद भी खाली हाथ लूटी बाइक तक बरामद नहीं कर सकी।
कुर्सी रोड स्थित स्मृति अपार्टमेंट में फंसे लिफ्ट, लिफ्ट में फंसे माँ बेटे। सीतापुर में चोरी की कार बरामद, दिल्ली से ले जाई जा रही थी नेपाल। गाजियाबाद और सिद्धार्थ नगर के दो बदमाश गिरफ्तार। विहिप के हित चिंतक अभियान से जुड़े सभी वर्गों के लोग, विहिप के शीर्ष संगठन, मंत्री पहुंचे कानपुर, अभियान को लेकर की गई समीक्षा बैठक। आजमगढ़ में मोबाइल दिलाने के बहाने मंगेतर से रेप, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी आपत्तिजनक तस्वीरें, दर्ज हुआ मुकदमा। अस्पतालों में भी बनेंगे बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, कानपुर में 433 प्राइवेट अस्पताल किए गए चिन्हित, नहीं लगाने होंगे नगर निगम के चक्कर। उत्तराखंड के स्वर्ग औली में पहली बर्फबारी, खिले व्यवसायियों के चेहरे, आने लगी पर्यटकों की बुकिंग कॉल। उत्तराखंड में 29 नवंबर को हो सकता है विधानसभा के शीतकालीन सत्र, 16 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला। उत्तराखंड में चोटियों पर हिमपात हुआ, जिसके साथ ही निचले इलाकों में वर्षा, ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। उत्तराखंड में पिता की राह पर आगे बढ़े सिद्धार्थ, अध्यक्ष का संभाला पदभार, बधाई देने पहुंचे मंत्री विधायक। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, छावला हत्याकांड की राज्य सरकार से मजबूत पैरवी की उठाई मांग। रमेश पोखरियाल निशंक बोले, भाजपा हिमाचल और गुजरात में बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार, पीएम मोदी की योजनाओं का कायल है देश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम देवेंद्र सिंह रावत बोले, बिटिया को त्याग दिलाने को दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। साइबर ठगी के शिकार उपभोक्ता को नुकसान की भरपाई करेगा बैंक, मासिक क्षतिपूर्ति को बाद। उत्तराखंड में उद्यान विभाग के अपर निदेशक आर के सिंह निलंबित, शासन ने कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन पर की कार्रवाई। उत्तराखंड में दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं के उत्पादन पर आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग की लगाई रोक, मूल फॉर्मुलेशन सीट भी की तलब। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वृद्धा की मृत दिखाकर समाज कल्याण में बंद कर दी पेंशन, थाने में दी अधिकारियों के विरुद्ध तहरीर। सेवानिवृत्त दरोगा के घर चोरी करने वाला गिरफ्तार, घटना को अंजाम देने के बाद घूमने के लिए मसूरी चला गया आरोपी। रिटायर्ड फौजी की पत्नी से 11 लाख ठगे, आरोपित ने दूसरे की भूमि को अपना बताकर सस्ते में बेचने का दिया झांसा। शादी में झगड़े का बीच बचाव कर रहे जेई पर सरिया ईंट से हमला, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीएम आवास के युवती ने की आत्महत्या, 2 साल पहले भाई ने लगाई थी फांसी। पाकिस्तान पीएम सहवाज लंदन पहुंचे, नए पाक आर्मी चीफ को चुनेगा शरीफ, कुनबा नवाज को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी।
ट्विटर को फ्री स्पीच का अड्डा बनाने के मस्क के कदम से यूएन चिंतित। अधिकारी ने कहा अधिग्रहण के कुछ ही घंटों में बढ़ा हेट कंटेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फिर फिसली जुबान, कहा रूसी सैनिक खेरसोन से होते हुए फालूजा से बाहर निकल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा अफगानिस्तान की स्थिति पर हुई चर्चा, भारत बोला देश में चाहते हैं शांति और स्थिरता। मेक्सिको में एक बार हुई अंधाधुंध गोलाबारी, 9 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। मालदीव आग में 9 भारतीयों समेत 11 की मौत, बिल्डिंग के गैरेज में आग लगी, 28 को बचाया गया। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को खरी खरी, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत, सीनेट के लिए कांटे की टक्कर जारी। बाइडेन और जिनपिंग के बीच होगी अहम बैठक, इंडोनेशिया में 14 नवंबर को करेंगे मुलाकात। पाक सरकार के खिलाफ इमरान का आजादी मार्च फिर से शुरू, लोगों से बोले रास्तों से हटा दें अवरोध। मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को भेजा पहला ईमेल, वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी खत्म की, बोले आगे मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अडानी की एक और बड़ी डील, करोड़ों रुपए में IOTL में 39.38% स्टेक्स खरीदे। FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, HDFC और कोटक बैंक ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। ICICI बैंक CEO चंदा कोचर को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी पद की बर्खास्तगी को माना वैध। भारत सिंगापुर के बीच तत्काल होगा पैसा हस्तांतरित, UPI और पे नाउ लिंक सेवा जल्द। सूचीबद्ध कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे छोटे शेयर धारक, सेबी ने पेश किया प्रस्ताव। दो साल में 55,000 करोड़ की GST चोरी, 719 गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में कई पेशेवर CA। ट्विटर, मेटा, स्पॉटिफाई के बर्खास्त कर्मचारियों से भारतीय टेक CEO की अपील, लौट आओ घर वापस। सोलर एनर्जी में भारत के बढ़ते कदम, सौर उत्पादन के जरिए 6 महीने में बचाए 32.603 करोड़ रुपए। नायका के शेयरों का लॉक इन पीरियड खत्म, शेयरों में आया उछाल, निवेशकों को बटेगा बोनस। नवंबर से शुरू होगा फुटबॉल का महासंग्राम, 32 टीमों के बीच होगी जंग। सेमीफाइनल की हार के बाद अब होगा बदलाव, रोहित, विराट, अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को किया जाएगा टीम से बाहर।
टीम इंडिया की हार के बाद गावस्कर का बड़ा बयान, बोले कुछ खिलाड़ी जल्द लेंगे संन्यास। रोहित शर्मा के भावुक होने पर राहुल द्रविड़ ने दी सांत्वना, हार के बाद टूट गए थे भारतीय कप्तान। न्यूजीलैंड दौरे के लिए बदल सकता है टीम इंडिया का कोच, राहुल द्रविड़ की जगह बीबीएस लक्ष्मण कोच का पद संभालते हुए दिख सकते हैं। इंग्लैंड के हाथों करारी हार के बाद फैंस के सवाल, राहुल अश्विन को कब तक धोएगी टीम, क्या आईपीएल रिकॉर्ड देखकर रोहित को कप्तानी मिली। एक साल में कुछ नहीं बदला, 29 प्लेयर्स आजमाए, 14 कप्तान बदले, फिर भी बड़े टूर्नामेंट में चूक गई टीम इंडिया। टीम इंडिया के शेर सेमीफाइनल में ढेर, पावर प्ले में बेहद धीमी बैटिंग, रोहित 9 ओवर खेलकर भी फेल। विराट की नई कामयाबी, T20 फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैटर बने। टीम इंडिया की हार पर कोच द्रविड़ का बयान, बोले टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 180-185 रन बनाने में सक्षम होना चाहिए था। ऊंचाई एक्ट्रेस सारिका ने शेयर किया शूटिंग से जुड़ा एक्सपीरियंस, कहा को स्टार से होता है तो इमोशन अपने आप निकलते हैं। ४५० स्क्रीन पर रिलीज होगी ऊंचाई, डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने कहा लीड रोल के लिए पहली पसंद थे बिग बी। विद्या बालन ने शेयर किया फनी वीडियो, गूगल से की खास गाने की गुजारिश, मिला मजेदार रिप्लाई। यूएस लौटते ही प्रियंका ने बेटी के साथ बिताया समय, निक जोनस भी दिखे साथ, इस बार भी नहीं दिखाया बेटी का चेहरा। अनन्या पांडे शनाख्या कपूर का थ्रोबैक वीडियो वायरल, शाहरुख खान के गाने पर किया जमकर डांस, क्यूटनेस देख फिदा हुए फैंस। विरोध के चलते टला कॉमेडियन वीरदास का शो, ऑडियंस के लिए लिखा असुविधा के लिए माफी चाहता हूं। एकता ने फिल्म केटीना से दिशा पाटनी को किया बाहर, अनप्रोफेशनल बिहेवियर बनी वजह। बाहुबली बनी रश्मिका मंदाना, एली अब्राम को गोद में उठाकर मस्ती करती दिखी, फैंस बोले आप बाहुबली से कम नहीं हैं। सेल्फ केयर बिजनेस में उतरी दीपिका पादुकोण, इंडस्ट्री में 15 साल पूरे करने के मौके पर किया ब्रांड लॉन्च। जैकलीन का आरोप, ईडी तंग कर रही, कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा सबूत थे तो अरेस्ट क्यों नहीं किया। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।